अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने यूजेबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स में से एक मेथड को कवर करना है वो गाइडलाइन चेकिंग है। और गाइडलाइन चेकिंग इज़ बेसिकली अ प्रीटी मच प्रीटी शॉर्ट मैकेनिज्म, लेकिन टू अंडरस्टैंड आई वुड से इट इज़ अ प्रीटी शॉर्ट मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ अ प्रीटी हैक्टिक एक्टिविटी टू परफॉर्म। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करवाया जाता है गाइडलाइन चेकिंग को और किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एम्फोसाइज करते हैं गाइडलाइन चेकिंग के ऊपर कि गाइडलाइन चेकिंग होती क्या है। एन इवेल्युएटर चेक्स एन इंटरफेस अगेंस्ट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द गाइडलाइंस। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ हाईलाइट की हुई हैं। नंबर वन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इवेलुएशन को भी इवेलुएटर्स ही परफॉर्म करवाते हैं। और उसके बाद कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको ज़रा देख लें कि इवेलुएट किया जाता है इंटरफेसिस को अगेंस्ट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस। तो इवेलुएटर्स परफॉर्म करवाएंगे इवेलुएट करेंगे इवेलुएटर्स इवेलुएशन परफॉर्म करेंगे और इंटरफेसिस को इवेलुएट किया जाता है अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड दिस गाइडलाइन इज़ प्रिटी डिटेल्ड। तो हम इसको जाके देखेंगे कि ये कौन सी गाइडलाइंस हैं और इनको कैसे फॉलो किया जाता है एंड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द गाइडलाइंस। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस है वो ये जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उससे कितनी डेविएटेड है। हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है, हमने स्कोर करना होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज़्यादा डेविएटेड है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अब गाइडलाइन चेकिंग के हवाले से देर आर बेसिकली स्पेसिफिक गाइडलाइंस अबाउट यूजिबिलिटी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरफेस आर गिवन। तो हाँ, गाइडलाइन चेकिंग के अंदर आपके पास स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हैं वो यूजिबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से गिवन होती है इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द इंटरफेस। एन इवेल्युएटर चेक्स एन इंटरफेस अगेंस्ट दोज डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड प्रोड्यूसेस अ लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द गाइडलाइंस। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर कवर किया कि जो इवेल्युएटर है वो उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस को इवेल्युएट करता है और बताता है कि एप्लीकेशन उन इंस्ट्रक्शन से वो जो लिस्ट है उससे कितनी डेविएटेड है। वेयर एज ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन ऑन दी अदर एंड इम्प्लॉयज़ ओनली 10 ब्रॉड प्रिंसिपल्स, गाइडलाइन चेकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ मोर स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम्स ऑन अ चेकलिस्ट। सो यहाँ पे इसने आखिरी बुलेट पॉइंट के अंदर ये कंपैरिजन भी कर दिया है कि गाइडलाइन चेकिंग और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या फ़र्क है। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ 10 ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एज पर द परसेप्शन ऑफ द इवेल्युएटर आ सकती हैं। वेयर एज गाइडलाइन चेकिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक और इसके अंदर यूज़र के सॉरी इवेल्युएटर के की अपनी परसेप्शन के अमल दखल का बहुत कम रूम रह जाता है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन चेकिंग के की इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं ये जो हमने यहाँ पे देखी ये डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ये जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं यहाँ पे तीन, ये जो रिसर्चर्स की बेसिकली ये जो दो रिसर्चर्स हैं इनकी ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, इन दो रिसर्चर की ये दो ये सॉरी सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं। और ये नंबर वन जोन्स की है सिडनी स्मिथ एंड जेन मॉजियर की है, दूसरी जोन सी है वो सी मार्लिन ब्राउन की है, और जो तीसरी गाइडलाइन चेकिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डेबोरा मैथ्यू की, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गिवन है। हम इनमें से आज इस लेक्चर के अंदर सिडनी स्मिथ के एंड जेन मॉजियर के जो सी गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इनको स्कोर करते हैं अगेंस्ट योर इंटरफेस। और फिर हम एक केस स्टडी भी मैं आपके सामने रखूँगा इन कॉन्टिन्यूएशन टू जो प्रीवियस आपकी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन की असाइनमेंट है HEC की वेबसाइट के ऊपर, जो आपने रजिस्टर करके डिग्री अटेस्टेशन अप्लाई करते हुए जो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट असाइनमेंट इज़ रिगार्डिंग द ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन, तो आपने उसी सिनेरियो के ऊपर ये गाइडलाइन चेकिंग भी परफॉर्म करनी है, ये भी आपकी उसके बाद एक असाइनमेंट है। तो हम इसके ऊपर बाद में आते हैं और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं।
वही जो सिडनी स्मिथ एंड जेन मोजेर की जो उनकी गाइडलाइन चेकिंग के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर 2.0 जो बुलेट है, मैं वहाँ जब जाऊँगा तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा, उसके अंदर ये एक सब गाइडलाइन है जिसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि एंश्योर दैट वट एवर डाटा अ यूज़र नीड्स फॉर एन ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल फॉर डिस्प्ले। तो जो सा भी डाटा यूज़र को ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए वो यूज़र को विजिबल है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं गाइडलाइन चेकिंग के हवाले से कि ये गाइडलाइन चेकिंग मैकेनिज्म रिलेटिवली चीपर। इसके अलावा दिस मैकेनिज्म इज़ प्रिटी इंटू एंड दिस इज़ यूजेबल अर्ली इन द डिवेलपमेंट प्रोसेस। और ड्रॉबैक इसका ये है कि दिस गाइडलाइन चेकिंग मैकेनिज्म इज़ प्रिटी टाइम कंज्यूमिंग। और अभी मैं अभी जब जो इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन उसके ऊपर जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हाउ मच हेक्टिक इट इज गाइडलाइन चेकिंग। और इसके बाद एंड पे आता है कि जी दिस ड्यू टू दी इंटेंसिटी ऑफ दिस मैकेनिज्म, जो एक इवेल्यूएशन की जो एक्सरसाइज है उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो डिटेल है, उसकी वजह से इट कैन बी इंटिमिडेटिंग फॉर दी इवेल्यूएटर। और अब हम जाके चेक करते हैं कि सिडनी स्मिथ और जेन मोजियर की जो उनकी गाइडलाइन चेकिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं। अब आप अगर ये देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन से लेके जेड डेटा एंट्री जिसके अंदर सब टाइप जो उनकी है 10.1.0 जनरल के अगेंस्ट ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। और फॉर इंस्टेंस सॉरी मैं वापस जाना चाहूँगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो फॉर इंस्टेंस ये इंस्ट्रक्शन ये है कि जनाब वेदर योर सिस्टम रिस्पॉन्स फास्ट और नॉट। और आप अगर इसके अंदर जाते हैं तो आप इसकी डिटेल भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट की हुई है और उसके ऊपर कॉमेंट भी दिए हुए हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से आपको इसकी इंटेंसिटी परस्पेक्टिव से दिखाना चाहूँ तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं ये इस गाइडलाइन प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी एप्लीकेशन को की गाइडलाइन चेकिंग अप्लाई परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो और अगर आप सिडनी स्मिथ एंड जेन मोजियर की जो गाइडलाइन चेकिंग अप्लाई करते हैं तो आपको ये तमाम गाइडलाइन के अगेंस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन को इवेलुएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो आपकी केस स्टडी है, जो आपके असाइनमेंट है उसके हवाले से बता दूं कि ये असाइनमेंट भी प्रीवियस असाइनमेंट की तरह ग्रुप असाइनमेंट ही है। जो आपने HSC की वेबसाइट के अगेंस्ट जो आप प्रीवियस असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये भी आप उन्हीं उसी ग्रुप के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। और आपने करना ये है कि यहाँ पे जो 1.0 की जो गाइडलाइन चेकिंग अवेलेबल है, 1.0 की जो गाइडलाइन चेकिंग अवेलेबल है, और इसके अलावा आप अगर यहाँ नीचे आएँ 1.3 के अगेंस्ट ये जो सब गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, और इसके अलावा 1.4 ये जो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं फॉर इंस्टेंस डेटा फील्ड लेबल्स के, जो डेटा फील्ड्स हैं उसके अगेंस्ट जो लेबल्स हैं वेदर दे आर अप्रोप्रिएट और नॉट, अगर आप इसके अंदर जाएं तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट और वगैरह वगैरह आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और इसका सैम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको आप जब अगर परफॉर्म करते हैं तो कैसे इसको परफॉर्म करना चाहिए, आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने करना ये है कि 1.0, 1.3 और 1.4 ये तमाम इंस्ट्रक्शंस में से एक आपका ग्रुप मेंबर जो होगा वो 1.0 में से करेगा, एक जो आपका ग्रुप मेंबर दूसरा जो ग्रुप मेंबर आपका होगा वो 1.3 में से जो है वो इंस्ट्रक्शंस करेगा, और जो आपका तीसरा ग्रुप मेंबर होगा वो 1.4 के अंदर जो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं गाइडलाइन चेकिंग की उनमें से हर एक जो आपका मेंबर है वो 10, 10 और 10 टोटल 30 आपने आपने इसमें से कोई ना कोई, यानी कि अगर ये थर्ड ग्रुप मेंबर परफॉर्म कर रहा है डेटा फॉर्म्स के हवाले से गाइडलाइन चेकिंग, तो इनमें से आपने सिर्फ कोई ना कोई 10 चूज़ करनी है, और उसके अगेंस्ट आपने HSC की जो सी एप्लीकेशन थी उसमें जो आपने रजिस्टर करने के बाद आपने डिग्री अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस परफॉर्म किया था उस हवाले से बताना है आपने कि एप्लीकेशन जो सी है वो इनमें से किसी 10 के अगेंस्ट जो है उसकी गाइडलाइन स्कोरिंग क्या है। अब इसका गाइडलाइन स्कोरिंग का मैकेनिज्म ये, फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ से 10 इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट गाइडलाइन स्कोरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर 10 में से किसी 6 के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली उनको मीट करती है गाइडलाइन स्कोरिंग की जो बुलेट्स हैं उनको, तो आपने उनको, या इसका मतलब ये है कि आप अगर 6 को मीट करती है तो आपने ये कहना है कि जो इसकी गाइडेंस स्कोरिंग है वो 6/10 है। और अगर फॉर इंस्टेंस
1.0 में से 5 इंस्ट्रक्शन को मीट करती है, 1.3 में से 4 इंस्ट्रक्शन को मीट करती है, और 1.4 में से जो है वो अगेन 6 इंस्ट्रक्शन को मीट करती है। तो सबको आपने सम करना है, और आउट ऑफ 30 आपने बताना है कि इसकी गाइडलाइन चेकिंग की जो जो स्कोर आया है वो क्या है। अगर मैं ये आपकी केस स्टडी के अगेंस्ट आपने गाइडलाइन है, और ये आपने सबमिट करवाना है एज एन असाइनमेंट, तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आप प्रीवियस असाइनमेंट के साथ ही इस असाइनमेंट को भी कर लें सेम सिटिंग के अंदर, आपके लिए काम को जो है वो करना आसान हो जाएगा, रादर कि आपको दोबारा से फिर जो HSC की वेबसाइट है उसको दोबारा से रीएवेलुएट करना पड़ेगा, और दोबारा से आपने इसको आपको ये एक्सरसाइज दोबारा से नए सिरे से पूरी पूरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। और अगर मैं वापस जाऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि येस आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि सीटी स्कैन जेन मोजियर की जो गाइडलाइन चेकिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, वेरस अगर आप ये सी मार्लिन ब्राउन की देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 302 गाइडलाइंस मौजूद हैं। मैं दो के ये भी बहुत ज़्यादा है, मगर सिडनी स्मिथ के मुकाबले में ये काफ़ी कम है। इसी तरह से डिबोरा मैथ्यू की जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 288 है। तो हर एक जो गाइडलाइंस जो एक प्रिंसिपल डिज़ाइन किया गया हुआ है हर एक साइंटिस्ट या फिर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है कि गाइडलाइंस कितनी गाइडलाइंस हैं जिसके अगेंस्ट आप उनको स्कोर करते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 30 गाइडलाइंस के अगेंस्ट स्कोर करना है, और ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे वो है कॉग्निटिव वॉक थ्रू का। और कॉग्निटिव वॉक थ्रू के हवाले से अगर हम देखना चाहें तो